वो बिटिया कहने लगी, पिताजी हमसे अनजाने में भूल हो गई, पिताजी मुझे माफ कर दो। तभी इतने शब्द महाराज शरियात ने सुने, एकदम दांत पीस कर बोले, और ये लड़की ना लाए, अगर लड़की को मारना पाप ना होता तो मैं तेरे अभी टुकड़े टुकड़े कर देता। मैंने सोचा था तेरी शादी कहीं अच्छी जगह करेंगे, तूने ये नालायक अपना जीवन अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख ली है, अब मैं क्या करूं। अब तू सुन कि क्या तू जिसके तूने नैन भोरे हैं वो बूढ़ा